चाहते हुए इत्तफाक करता हूं इस बात के ऊपर कि वी आर बीइंग सीन अक्रॉस द वर्ल्ड, हम आइसोलेशन में नहीं जी रहे हैं। हम जिस तरह के हालात से आज दो चार हैं, हिंदुस्तान क्या प्रोपेगेंडा कर रहा होगा, पूरी दुनिया क्या कह रही है, इमेजेस तो नहीं रुकते। अब आप सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ को सामने रख के देखें कि पिछले तीन दिनों में हमारा क्या तमस्कर उड़ा होगा। पाकिस्तान पागलखाना नजर आ रहा है। I agree with you. लेकिन हुकूमत, देखिए ना, हुकूमत भी तो कहीं ना कहीं फंक्शन कर रही है ना, मामलात को कंट्रोल करने के लिए, समेटने के लिए हुकूमत। तीन दिन लग गए भाई, तीन दिन लग गए एक बुनियादी फैसले तक पहुंचने में। बुखारी साहब, देर आए, दुरुस्त गंद समेटा हुआ है, उसे दुरुस्त करने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए। तीनों दोस्तों को मैं तीनों से सबक, FATF से हमारी जान वैसे नहीं छूट रही, ऊपर से बर्तानिया बहादुर ने हमारा नाम डाल दिया है 21 उन मुल्कों के अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको बैन किया गया वो अंडरग्राउंड गई, उसके बाद उनके टेररिस्टिक कैपेसिटी में इजाफा हुआ। ये सब कुछ भी हुकूमत को सामने रखना चाहिए। तहरीके लबैक ने जिस तरह से पिछले दो दिनों में पूरे मुल्क में किया है, वो पूरी दुनिया में एक पैगाम गया है कि यहाँ पर शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी और जो है वो इतनी ज्यादा है कि ये दुनिया अपने आप को खतरे में समझती है इनकी वजह से। मैं क्या, उन्होंने शिद्दत पसंदी क्या की, उन्होंने क्या शिद्दत पसंदी की, वो जो मुतालबा कर रहे थे उस मुतालबे के तहत, उस मुतालबे पे मेरी बात नहीं, 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 वो जो मुतालबा कर रहे थे उस मुतालबे के तहत पाकिस्तान से तमाम गैर मुल्कियों को निकल जाना था और दुनिया में हमने आइसोलेट हो जाना था। अंजम, मेरा ख्याल है कि आपने वो गालिबन एग्रीमेंट पढ़ा नहीं, उसमें तमाम गैर मुल्कियों का हवाला नहीं, गालिबन एक मखसूस शख्स का हवाला है, एक मखसूस वज़ीर दाखला ने कहा है कि तमाम यूरोपियन उनको जाना पड़ना था, सफीरों को जाना पड़ना था, लोगों को जाना पड़ना था, यूरोपियन के लिए यहाँ जगह नहीं बचनी थी। पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में एक मजाक बन जाता, पाकिस्तान जो है वो गिर जाता। बुखारी साहब, ये जो अंजम साहब कह रहे हैं कि ऐसा मुआहदा था, आप एक इतने बड़े मुल्क के सफीर को बाहर निकालने का मुआहदा कैसे कर सकते हैं? ये आपकी गुंजाइश में, आपके जुरिस्डिक्शन में था या नहीं था आपको यही नहीं पता। फिर आपने एक गलती की, उसके बाद आपने उसमें उससे उनसे एक्सटेंशन ली कि जनाब हमें एक महीने का वक्त और दे दें। दैट मींस आपको प्रिसाइसली पता था कि आप क्या कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा मिसनोमर था, यही सबसे बड़ी गलती थी जिसने इस पूरी सूरत हाल को आज यहाँ ला खड़ा किया है कि FATF से हमारी जान वैसे नहीं छूट रही, ऊपर से बर्तानिया बहादुर ने हमारा नाम डाल दिया है 21 उन मुल्कों के अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। लेकिन बुखारी साहब, बात यह है कि हमने अब आगे बढ़ना है ना। नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे आप माजी में, आप मुझे बताएं आप आगे कैसे बढ़ेंगे जब तक आप बात ही नहीं समझा पा रहे किसी को कि हुआ क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है। बुखारी साहब, बात यह है कि जो हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, इस मुआशरे में रहते हुए हमें सबसे अहम चीज यह है कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ हुकूमत को इस बात पे लाना है। स्टेट एक्ट करेगी तो सब कुछ ठीक होगा। वही बात कर रहा हूँ कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुआशरे को मुआशरा क्या करे, स्टेट क्या कर रही है, बनाएंगे और स्टेट को उसी तरह रिएक्ट करना है मुआशरे को महजब करने के लिए। जावेद, आज जैसे जावेद सर, माफ कीजिएगा, एक बात बताइएगा, टेप पुलिस वालों को जिस तरीके से मारा गया। देखें, दो तीन चीजें खान साहब, इस हवाले से मैं अर्ज करूं। पहली बात तो होती है रिट ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरी होती है रिट ऑफ द यानी लॉ मेकर्स, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है मुआशरे के अंदर, जिन्होंने मुआशरे की तरवीज करनी है, जिन्होंने मुआशरे को तमीज़दार बनाना है। दोनों के रिट जो है वो कंप्रोमाइज हुई हुई है लार्जली पिछले 48 घंटे से। लेकिन अब ठीक हो गई? नहीं, कहाँ ठीक हो गई। अभी जो मेरे घर के बाहर के खान साहब जो बात, खान साहब ठीक कह रहे हैं, इसके दो तीन चार पहलू माजी की तरफ देख के आप याद करें। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको बैन किया गया वो अंडरग्राउंड गई, उसके बाद उनके टेररिस्टिक कैपेसिटी में इजाफा हुआ। ये सब कुछ भी हुकूमत को सामने रखना चाहिए फैसला करने से। अच्छा, नहीं, मैं बताऊं, अगर बैन कर रहे हैं तो फिर दे हैव टू गो फॉर द कैन। बैन कर दिया ना, अभी नहीं हुआ। देखो सलीम बुखारी, जस्ट अबाउट सर, कैबिनेट उसको अप्रूव कर देगी। सलीम बुखारी, जो रियासत ने कर दिया है, ये इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। और आई एग्री विद यू, और पुलिस के साथ जो, अगर पुलिस डिसफंक्शनल हो जाए तो ये माशरा नकारा हो जाएगा। पुलिस की का तकद्दस भी और उसकी सेंक्रेटरी को भी और रखना जरूरी था, मेंटेन करना है, करना पड़ेगा। अच्छा, मैं बता, और कोई रास्ता नहीं था। अंजम साहब, मैं बताता हूँ, इसको मेंटेन करने का बड़ा आसान तरीका है। बेहतरीन तरीका यह है कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की,
और पुलिस के पास, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास मुकम्मल कैपेबिलिटीज हैं आइडेंटिफाई करने की। असल इशू वही है, हु विल बेल द कैट। मैं बताता हूं आपको सर, उनको आइडेंटिफाई किया जाए 10%, 20%, 30% जितना भी हो, मैं एग्जांपल, एंड उनको सर इंटरोगेट किया जाए। इंटरोगेट करने के बाद उनको सजाएं दी जाएं। जब तक आप उनको सजाएं नहीं देंगे, वो एग्जाम्पल नहीं बनेंगे मुआशरे में, उस वक्त तक हम इस मामले को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमें हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप फैसला करने जा रहे हैं, गो फॉर द किल, ये हाफ हार्टेडली कोई चीज नहीं होती है, इसलिए कि ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। मैं अंजुम बुखारी साहब,